Yeah. हाँ $15 ये देखें ये बॉडी मसाज तकरीबन जो अच्छे वाला है ना गंदे वाला नहीं $15 का कह रही है यानी कि ये 3 लाख डोंग बन रहे हैं 1 आवर हाँ तो ये रीजनेबल लग रहा है मुझे गाइस ये लिया 10,000 डोंग का ये बनते हैं 4 रुपया पाकिस्तान में वाह वंडरफुल बहुत जबरदस्त जायका है और सेम जायका है पाकिस्तान में जो गन्ने की रोह होती है उसका सेम है तो ये वियतनाम स्टाइल हो ची मिन्ह स्टाइल बटर जो है पॉपकॉर्न ये देखें वॉकिंग स्ट्रीट की दूसरी साइड पे ये ऑफिस है यहाँ से वियतनाम टू कंबोडिया जा रही है बस तो ये बस है इस बस में आप यहाँ से फनुम फेन जो कंबोडिया का कैपिटल है उसमें जा सकते हैं और इधर मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन चीज़ लगी है वो किन्नू लगे हैं किन्नू काफ़ी देर से खाई नहीं है कोरिया में किन्नू नहीं मिलते एक्चुअली और ये ओरिजिनल किन्नू लग रहे हैं पाकिस्तान वाले ना अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस मैं आपको पता है जैसा कि रात को पहुंचा था इधर हो ची मिन्ह में तो मैं होस्टल में स्टे कर रहा हूं तो अभी आपको नींद पूरी की और सुबह इधर सुबह का जो है तकरीबन 11:15 हो रहे हैं तो बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ तो अब हम चलेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लोकल स्पॉट को एक्सप्लोर करने के लिए तो ये देखें हो ची मिन्ह की ये सिटी सेंटर का एरिया है एक्चुअली और वॉकिंग स्ट्रीट का एरिया है इसको वॉकिंग स्ट्रीट कहते हैं बुई विन और बहुत ही फेमस और बहुत ही क्राउडेड एरिया है एक्चुअली आपको इधर पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं वो मिलेंगे तो वेदर का मैं आपको अपडेट दूं वेदर जो है इधर थोड़ा सा हॉट है और 35 के राउंड अबाउट चल रहा है 35 डिग्री और इसके अलावा ये है कि बड़ा ही बिजी सिटी है इस टाइम रश नहीं लग रहा आपको लेकिन रात को बहुत ज़्यादा रश था तो वॉकिंग स्ट्रीट की वीडियो भी मैं आपको बना के दिखाऊँगा इंशाल्लाह उसका ये था कि मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं किस तरह से एयरपोर्ट पे आया था तो स्कैम हुआ मेरे साथ और जो स्कैम है इधर बहुत ज़्यादा है स्पेशली जो है टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह इधर बहुत एक्टिव हैं स्कैम करने में और आप जब आएँ तो बिल्कुल केयरफुल हो जाएं और रिलैक्स नहीं होना आपने हर वक्त अलर्ट रहना है तो वैसे थ्रूट अच्छा सिटी है लोग ठीक लग रहे हैं कोऑपरेटिव हैं जो मेरे गेस्ट हाउस की ऑनर है वो बहुत जो है अच्छी है लेडी और बहुत ही कोऑपरेटिव है वो भी तो ये देखें गाइस सराउंडिंग इधर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है वियतनाम में तो आपको जगह जगह पे मोटरसाइकिल जिस तरह पाकिस्तान इंडिया वगैरह में मेरे ख्याल से सेम ही है और अभी वेदर थोड़ा सा अच्छा है आज एक्चुअली क्योंकि आज थोड़ा क्लाउडी है तो इतनी हॉट फील नहीं हो रही अदरवाइज जो है इधर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है इधर ना आपको और हो ची मिन्ह का फर्स्ट इंप्रेशन मैं आपको दूँ तो मुझे ये इस तरह ही लग रहा है जिस तरह पाकिस्तान है या इंडिया कह लें या थाईलैंड से थोड़ा सा सिमिलियर है लेकिन थाईलैंड थोड़ा क्लीन है ये थोड़ा सा मुझे वो क्या कहते हैं इसको डर्टी तो नहीं कहेंगे लेकिन बहरहाल इतना ज़्यादा क्लीन नहीं है एक्चुअली और ये देखें गाइस ये लोकल मार्केट शुरू हो गई है और देखें इस तरह से ये फूड वगैरह सेल कर रहे हैं इधर और लोग जो हैं अपनी अपनी डेली लाइफ में मसरूफ हैं तो अभी मैंने खाना भी नहीं खाया वो खाने के लिए भी कुछ देखूं तो खाने की कुछ समझ नहीं आ रही चाइना में भी मेरे साथ इस तरह ही हुआ था उधर भी बस फास्टिंग ही रखी
और आप इधर देखें, इधर भी फूड का इशू लग रहा है मुझे, क्योंकि फूड हमारे रिलेटेड नहीं है। तो बाकी ये जो कोरियन चाइनीज वगैरह होते हैं ये तो खा लेते हैं सब कुछ, और हम लोग जो है खाने में थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं। तो ये सब्जी मार्केट आ गई है, मैं आपको इसका बैक व्यू देता हूँ। तो गाइस ये देखें, ये सब्जी मार्केट टाइप है। ये देखें, ये कच्चे आम और ये किन्नू पड़े हुए हैं इधर, किन्नू लग रहे हैं पाकिस्तान वाले ना, तो ट्राई करेंगे इनको। और अगर आप किसी कंट्री में जाएं और खाने का इशू हो तो फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फ्रूट वगैरह खाएं, फ्रूट खा लें, उसके बाद ब्रेड वगैरह ले लें, कुछ जैम वगैरह, तो इससे भी आपका जो है इशू सॉल्व हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी इधर से फ्रूट वगैरह लेंगे हम वापसी में, और ट्राई करते हैं फ्रूट कोई, उसके बाद कोई मैकडोनल्ड वगैरह देखता हूँ, अगर उधर से कोई चीज़ मिल जाती है तो वो। तो ये देखें गाइस, आप को फीलिंग आ रही होगी कि ऐसे ही लग रहा है जैसे पाकिस्तान है ना, ये देखें सेम पाकिस्तान वाला सिस्टम है। और ये लोग अभी बहुत एडवांस नहीं हुए इसलिए ये देखें ये स्टाइल है, लेकिन अगर आप चाइना वगैरह दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उधर अपग्रेड है, और फिलिपीन भी अपग्रेड है एक्चुअली। तो ये लोकल मार्केट में मैं आ गया हूँ। ये देखें गाइस, शूज वगैरह बिक रहे हैं और सारा माल चाइना का है। चाइना पूरी दुनिया को देखें सप्लाई दे रहा है। ये मार्केट है लोकल मार्केट, तो काफी देखें गंदी लग रही है, आगे पानी खड़ा, तो मैं इसके अंदर नहीं जा सकूंगा, तो उस साइड पे जाता हूँ। ये देखें गाइस, लोग कपड़े ले रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और ये देखें बुढ़िया अंदर बेच रही है कपड़े वगैरह। तो बिजी लोग हैं, बिजी लाइफ, इधर के भी 11:15 होने वाले हैं, तो बिजी हैं लोग अपने अपने रूटीन लाइफ में। ये देखें गाइस, यूनिक्लो, तो गाइस ये देखें, ये बटर वाले पॉपकॉर्न बना रहा है। ये देखें, ये इस तरह से चीनी डाल रहा है, पहले उसमें इसने पहले बटर डाला था ऑलरेडी, तो वो बटर पड़ा हुआ है, तो देखें उसमें से बटर इसने डाला है इसमें, और बड़े क्रंची लग रहे हैं। तो ये वियतनाम स्टाइल, हो ची मिन्ह स्टाइल बटर जो है पॉपकॉर्न, शक्कर को थोड़ा मेल्ट करेगा, उसके बाद उसमें पॉपकॉर्न डालता है, कॉर्न डाल के तो उसको बना लेता है, और फिर उसको ठंडा करके तो पैकेट में डालता है। हाउ मच दिस वन? 10,000? हाँ 10,000। ये गाइस 10,000 के दे रहा है, 10,000 डोंग। तो ये गाइस इधर मुझे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन चीज लगी है वो किन्नू लगे हैं। किन्नू काफी देर से खाई नहीं है, कोरिया में किन्नू नहीं मिलते एक्चुअली, और ये ओरिजिनल किन्नू लग रहे हैं पाकिस्तान वाले ना, तो इनको लाजमी ट्राई करूंगा। और ये देखें जो हम चाट में डालते हैं खट्टे मट्टे किन्नू हरे, वो भी हैं इधर, क्योंकि ये गर्म मुल्क है तो फिर इस तरह की चीज़ें इधर अवेलेबल हैं। ये अंगूर है, तो मैंगो इधर बहुत ज़्यादा आता है, इधर बहुत ज़्यादा इनका, कोरिया में भी इनका मैंगो आता है एक्चुअली। तो इसकी प्राइस देखते हैं, वन हाउ मच? 55 1 किलो 55 ये 55 के दे रहा है एक्चुअली। हाँ तकरीबन मेरे ख्याल से ये $2 बन रहे हैं इसके, $2
तो अमरूद का पूछता हूँ, अमरूद कैसा है, क्या रेट है? हाउ मच गुआवा? सेम सेम हां सेम सेम हां सेम सेम 25 किलो 1 किलो 25 20 55 55 एंड दिस इज 55 तो वो जो अमरूद है वो सस्ते हैं इधर, वो 25 के दे रहा है अमरूद, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई डॉलर के लगा लें आप, तो सस्ता है फ्रूट इधर भाई। लेकिन अगर यही फ्रूट आप किसी मार्ट से लेंगे तो वो इसकी प्राइसेस उधर डबल ट्रिपल हो जाती हैं। तो ये इधर फ्लावर बेच रही है, वो बनाना रखे हुए हैं इन्होंने। इस साइड पे एग है और वो अनाउंसमेंट भी कर रहा है वियतनामी लैंग्वेज में। तो सही देसी माहौल में आए हुए हैं हम, देसी स्टाइल लग रहा है मुझे ये सारा, जैसे हमारे उधर है पाकिस्तान में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। उतनी गंदगी है, उतना ही वो रश कह रहे हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और ये देखें, ये उन्होंने जो गार्बेज के डब्बे हैं वो इधर खड़े किए हुए हैं। तो बस इस तरह ही है, ये सिंपल लोग हैं, इतना ज़्यादा केयर नहीं कर रहे सफाई वगैरह की। ये देखें आप गाइस, डस्टबिन के अंदर डालने के बजाय बाहर ही फेंक दिया इन्होंने। इस साइड पे भी लेडीज के वो जो है स्लीपिंग ड्रेस वगैरह बेच रहे हैं ये। ये मेरे ख्याल से होलसेल मार्केट है इस साइड पे, ये होलसेल मार्केट है, इसका थोड़ा सा विजिट करते हैं और उसके बाद फिर ये देखेंगे। जिस तरह पाकिस्तान में नहीं होता होलसेल की वो मनियारी की दुकान, वो समझ ले सेम एज इट इज है। ये देखें, ये इस तरह ही वो रख के ना बैठा हुआ है। ये देखें शूज भी इसी तरह बेचते हैं ना उधर, तो ये देखें शूज। और कोई चीज डिफरेंट नहीं लग रही, सेम है, ऐसे ही लग रहा है ऐसे जैसे तन तंग गलियां पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, इंडिया पाकिस्तान में। तो ये देखें, ये सेम इधर भी कपड़े वगैरह बेच रहे हैं ये लोग, देखें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं लगेगा आपको, ऐसे ही लगेगा जैसे पाकिस्तान में घूम रहे हैं, वही तरीका वारदात है, वो सेम है। तो वो देखें, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, इधर गन्ने का रस बहुत पिया जाता है, और ये देखें ये गन्ने का रस इधर रो निकाल रहे हैं एक्चुअली। ये देखें, ये गन्ने का रस है, इस मशीन में से निकाल के ये देते हैं। ये देखें गाइस, ये गन्ना हाउ मच वन कप 15,000 ओके, तो ये दे रही है 15,000 डोंग का, बहुत ही सस्ता लग रहा है मुझे ये, तकरीबन मेरे ख्याल से 100 रुपए का लग रहा है ये, 100 रुपए का पाकिस्तानी स्मॉल एंड बिग। ओके मेक वन बिग वन स्मॉल हाउ मच 10 ओके स्मॉल। अभी छोटा लेके ट्राई कर लेते हैं क्योंकि बाद का टेस्ट मैच नहीं करता ना समटाइम, तो ये गन्ने का रस पीते हैं उसके बाद अपनी गर्मी को दूर करते हैं। तो भाई वियतनाम में बड़ा मजा है गाइस, बहुत जबरदस्त जा रहा सिस्टम। तो देखें ये मुकदमा बनाने लगी है, तो गाइस ये लिया 10,000 डोंग का और ये बनते हैं 100 रुपया पाकिस्तानी। वाह वंडरफुल, बहुत जबरदस्त जायका है और सेम जायका है पाकिस्तान में जो गन्ने की रो होती है उसका सेम है।
तो अभी मैं पी के तो फिर निकलता हूँ किसी और जगह पे, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस ये देखें, वॉकिंग स्ट्रीट की दूसरी साइड पे ये ऑफिस है। यहाँ से वियतनाम टू कंबोडिया जा रही है बस, ये बस खड़ी है गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये बस है, इस बस में आप यहाँ से फनुम फेन जो कंबोडिया का कैपिटल है उसमें जा सकते हैं। और टोटल टाइम जो है तकरीबन कह रहे हैं 7 घंटे लग जाते हैं, सुबह 8:30 से 1 बजे जाती है बस, 1 बजे पहुंच जाती है उधर। एक्चुअली इस तरह के टूर ऑफिस बहुत ज़्यादा हैं इधर हो ची मिन्ह में, लेकिन गाइस जिस तरह आप देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था क्योंकि आप एक दूसरी सिटी में जा सकते हैं बाई बस भी और सिर्फ 7 घंटे में। और इसकी जो प्राइस बता रहा है वो तकरीबन 500,000 डोंग बता रहा है, यानी कि 5 लाख डोंग, जो कि तकरीबन $25 बनते हैं, 25 डॉलर लगा लें आप, $25 में आप यहाँ से एक दूसरे सिटी में जा सकते हैं। तो भाई क्या बात है, ये देखें गाइस गोरे हर जगह मिलेंगे आपको ये लोग हर जगह। तो गाइस दूसरा ये था कि ये देखें इधर हो ची मिन्ह में वॉकिंग स्ट्रीट का जो एरिया है इसमें मसाज सेंटर बहुत ज्यादा हैं, और ये देखें ये प्राइसेस वगैरह डॉलर्स में लिखी हुई हैं। तो इससे पूछते हैं मुकर्मा से कि ये बॉडी मसाज हाउ मच, क्या हाँ $15। ये देखें ये बॉडी मसाज तकरीबन जो अच्छे वाला है ना, गंदे वाला नहीं, $15 का कह रही है, यानी कि ये 3 लाख डोंग बन रहे हैं 1 आवर। हाँ तो ये रिजनेबल लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरी कमर में पेन है तो मैं सोच रहा हूँ कि मसाज कराऊँ। तो अभी वापसी में देखता हूँ, बैक इज पेन, बैक पेन इज पेन पेन। तो वापसी में ट्राई करेंगे इसकी, ये ऑप्शन है।